अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप समझेंगे? सब मेरे के सब ठीक ठाक होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल लेकिन आज पकेट तो आई uh, नो मैं बहुत देर बाद आई हूँ और मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था बट न्यू नो कभी कभी ब्रेक लेना अच्छा होता है तो आई एम बैक और uh, मैंने कही हूँ आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल लेके ठीक है मैंने कुछ न्यू मेकअप रिसेंटली बाय किया और वो हम मिलके उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे ठीक है पैकेजेस में से मैंने खोले हो बट इट सेल्फ मैंने इनको प्रॉपर अभी खोला नहीं है ठीक है जो कि हम मिलके करेंगे ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यू मेकअप हॉल में क्या क्या है अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन सी आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स है और हम मिलके जो है इकट्ठे ही हम वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे प्रॉपर ठीक है तो चलिए जी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मेरे पास ये नजर आ रहा है सामने ही हम ये देखते हैं ये है जॉनसन फ्रेश हाइड्रेशन ठीक है वाटर जेल क्लिनजर अब ये जो है ना ये मैंने पहले अपनी सिस्टर का यूज किया था उसके बाद मैंने इसको बाय किया और ये इतना अच्छा इतना अच्छा इतना 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 अच्छा क्लिनर है कि बस जब से मैंने इसको लिया है ना और यानी कि अपने सिस्टर का मैंने यूज किया था मेरा दिल खुश हो गया था और मुझे था कि नहीं मैंने इसको लाजमिन लाजमिन लाजम लेना ही लेना है आप देख रहे हो कि आपको ये यहाँ से थोड़ा सा कैप डैमेज लग रहा है बट ये आया ही ऐसे है मगर ना जो पेज ने ना वो डिलीवर ही ऐसे किया बट बहुत ही अच्छा क्लेंजर है बहुत ही अच्छा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये आपने जो है ना लास्ट में लेना क्योंकि ये जो है ना मैंने खुद यूज कर चुकी मैं पहले ना अपने सिस्टर का आपकी स्किन इतनी बेबी सॉफ्ट हो जाती है कि आप यकीन माने आप एक बार इसको यूज करेंगे ना आप इसके एडिक्ट हो जाओगे ऐसी ये प्रोडक्ट है ठीक है तो फर्स्ट परचेज तो है मेरी ये जो कि एक बेसिक अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास है ये बीबीए का पाउडर ठीक है ये बहुत ही अच्छा पाउडर है मैंने इसको भी मैंने रिस्टॉक ही किया है आप देख सकते हो मैंने इसको अभी यूज नहीं किया बट मैंने इसको भी ना री स्टॉक ही किया है शेड है बनाना हमारे ना एशियन स्किन टोन्स पे ना बनाना शेड बहुत ही अच्छा रहता है मैंने इसकी सील अभी नहीं खोली तो मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ इसकी सील पर थोड़ी सी अच्छा अब ट्रांसलूसेंट भी अच्छा रहता है बट एशियन स्किन टोन्स पे जो है ना बनाना पाउडर ना थोड़ा सा ना कलर करेक्शन में भी हेल्प करता है थोड़ा तो इस वजह से ना बनाना पाउडर जो वो ज्यादा सूटेबल मुझे लगता है हमारी स्किन टोन्स के लिहाज से ना तो मैंने इसलिए बनाना ये मैंने रिस्टोर की किया ये पाउडर बहुत ही अच्छा बहुत ही फाइन पाउडर है और सेटिंग अ, अ, करने में मेकअप को सेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है बहुत ही अच्छा पाउडर है आपको ये लेना चाहिए रीजनेबल भी है और पैकिंग तो आपको पता है ब्यूटीफाई आमना की सब चीज़ों की पैकिंग वैसे ही आउटस्टैंडिंग होती है और प्राइस इसकी ऑलमोस्ट होगी फिफ्टी टू सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज इससे ज्यादा नहीं है मुझे एक्जैक्ट नहीं पता मुझे भूल गया बट मैं आपको इंशर uh, एग्जैक्ट भी बता दूंगी ठीक है ये है बीबीए uh, का लूज पाउडर बनाना बनाना इन द शेड नेक्स्ट अब हमारे सामने है अच्छा ये है एसेंस का मस्कारा ठीक है ये भी मैं पहले यूज कर चुकी हूँ मैंने रीस्टॉक ही किया है ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट बेस्ट मस्कारा और अफोर्डेबल थ्रीन थाउजेंड का मैंने लिया था हाई फाई की सेल से जो कि ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त जितने मर्जे फैंसी मस्करा ले लो ना इसके सामने कुछ भी नहीं है ये तो एक बस इसके एक ही फोल्ड है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है अदरवाइज बहुत ही औसम awesome और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना ये मस्क मस्कारा है मैं आपको इसका वो भी दिखाती हूँ थाउजेंड का ये आया था और आप इसका ब्रश देख सकते हो ये देखो इसका ब्रश थोड़ा सा ऐसे ना आप कह लो ये बना हुआ हल्का सा टेढ़ा और नीचे से मैं लोअर लैश लाइन को करती हूँ उप, और ऊपर वाले हिस्से से मैं अपर लैश को जो है वो मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाता है लेंथ भी हाँ मिल जाती है हर चीज़ बहुत ही आउट जितनी तारीफ करो उतनी कम है इस मस्कारा की ठीक है आ, ये तो एक मस्ट है आपके कलेक्शन में नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो भी एक मस्कारा है जो कि बहुत ही वायरल आजकल हो रहा था पियर गार्डन का मस्कारा रोल एक लैशेस कर्ल एंड वॉल्यूम ठीक है इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया अभी मैं यूज़ करके आपको इसका फाइनल वर्डर दूंगी बट बहुत ही अच्छा ये मस्कारा है आम... इसके रिव्यूज मैंने यानी कि मैंने बहुत अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया अब अच्छा अब इसका भी जो ब्रश है ना वो पिछले वाले से सिमिलर ही है काफी ठीक है हल्का सा यहाँ से जैसे बेंड हुआ हुआ है ठीक है और ब्रश तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है अब मैं यूज़ करूंगी इसको प्रॉपर तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मस्कार कैसा है अपनी हाइप पर पूरा उतरता है कि नहीं इस मस्कार की प्राइस थी ट्वेंटी और ट्वेंटी समथिंग ठीक है ये मैंने वेगास कुमेटिक से बाय किया था अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट है नेक्स्ट है हमारे पास ये भी बहुत ही वायरल हो रहा था पियर कार्डन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे अच्छा अब ये वायरल क्यों हो रहा था निशू की एक वीडियो आई थी जिसमें वो निशू बता रही थी कि ये जो है ना सेटिंग पाउडर थाउजेंड ओवर टेन इसने ना इसको दिए थे मार्क्स तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा था और बहुत ज्यादा मैंने इसकी ना हाइप सुनी थी तो और काफी देर तक स्टॉक में भी नहीं था और रिसेंटली स्टॉक में ऐड हुआ था तो मैंने फोर रन से इसको बाय किया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस चेक करना चाहिए इसकी वर्थ जो हाइप है वो वर्थ इट है भी कि नहीं तो इसको भी मैं जब ट्राई करूंगी ना तो फिर मैं आपके साथ इसको ना जरूर अपने रिव्यूज शेयर करूंगी पेयर कार्डन के दोनों प्रोडक्ट्स के ठीक है ये ऐसे ही पैकिंग में आया था और इसका बॉक्स वगैरह ऊपर कुछ नहीं था ये ऐसी पैकि पैकिंग काफी तो एवरेज सी है ठीक है मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी पैकिंग है पैकिंग बहुत ही एवरेज सी है बट लेट्स सी के जो प्रोडक्ट है अंदर का वो कैसा है ठीक है लॉन्ग लास्टिंग एंड मॉइस्चराइजिंग विद एलोवेरा हाँ एलोवेरा की सेंट मैंने इसको पंप किया था ना तो मुझे एलोवेरा की थोड़ी सी सेंट जो है वो फील हुई थी एक फ्रेश फ्रेश जो है ना इसकी सेंट है अब इसको मैं चेक करके यूज करूंगी दो से तीन बार फिर मैं आपको इसका फाइनल वर्ड दूंगी कि ये सच में द हाइप है कि नहीं तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है ना रेवोल्यूशन की प्रोडक्ट्स हैं वो मैं इनको बाहर कर लूँ ठीक है इनके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आती है ये रेवोल्यूशन uh, की सिल्क स्किन सिल्क फाउंडेशन ल्यूमिनस सिरम फाउंडेशन शेड है uh, 8.5 अब ये है कि मैंने जब मंगवाई है ना uh, इसकी मैंने ना बहुत ज़्यादा जो थी ना हाइप सुनी थी ठीक है अब मेरे से गलती हो गई कि मैंने शेड थोड़ा सा ना आ गया डार्क ठीक है एफ एट है बट फाउंडेशन बहुत इस लाइट वेट है बहुत ही ज़्यादा क्योंकि मेरी स्किन पे ना फाउंडेशन जो है ना वो ऑक्सीडाइज़ करती है और ये देख लो मेरे हाथ का भी बिल्कुल एग्जैक्ट शेड है ये ना इस टाइम पे तो जब ऑक्सीडाइज़ करती है तो थोड़ी सी डार्क हो जाती है मेरे फेस पे ऑलमोस्ट हर फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज होती है तो ये जो है ना बिल्कुल लाइट वेट सिरम फाउंडेशन आप देख रहे हो कितनी ल्यूमिनस लग रही है बट है कि मेरे से ना शेड थोड़ा सा गलत आ गया तो अब मैं इसमें एक लाइट शेड मंगवाऊंगी और इन दोनों को मिक्स करके फिर यूज करूंगी और फिर मैं आपको इसका ना वैसे ऑल ओवर फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है शेड चूज करने में आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी थोड़ा सा अम, आपको ना अपनी रिसर्च थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे से गलती होगी आप मत कीजिएगा बट फाउंडेशन इट अच्छी तो लग रही है बट जब मैं वेयर करूंगी फिर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि इसका क्या सीन है नेक्स्ट भी एक फाउंडेशन है जो कि है आई फिल्टर फाउंडेशन इसमें है शेड नंबर 6.5 पॉइंट फाइव लोंगवेयर फाउंडेशन ठीक है अब इसका भी सेम आ, सीन है कि मैंने अभी इन प्रोडक्ट्स को ना यूज नहीं मैंने किया ठीक है अभी हम मैं सिर्फ आपसे इसका होल शेयर करेंगे मैंने सिर्फ एक आधा इनका स्वॉच मैं आपको इसका भी स्वॉच दिखा देती हूँ ठीक है ये क्लेम करते हैं कि ओ वाओ कवरेज तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है ठीक है कवरेज तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है और इसको मैं पर्सनल यूज़ करूंगी तो फिर मैं आपको इसका फाइनल बर्ड हम शेयर करूँगी और ना वाकई में एक ब्लड टाइप इफेक्ट आ रहा है आप कैमरे में देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा एक ब्लड इफेक्ट आ रहा है और ना बहुत ही अच्छा मुझे तो लग रहा है कि ये मुझे ना मेरी फेवरेट फाउंडेशन होने वाली है ठीक है मेरा शेड है इसमें सिक्स पॉइंट फाइव तो ये सिक्सटीन आवर वेयर फाउंडेशन ऑयल फ्री अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये डेवोल्यूशन के कंसीलर्स ठीक है ये आप देख सकते हो इनकी भी सील तक मैंने अभी ओपन नहीं की आ, ये तो जो उसकी फाउंडेशन है ना आयर आर वाली आई आर एल फिल्टर फाउंडेशन ये उसी का ही साथ जो है ना ये कंसीलर है ऑयल फ्री ओके okay, तो जी जो मैंने आपको इसकी फिल्टर फाउंडेशन दिखाई है उसके साथ ही पेयर में है तो मैं इन दोनों को जब यूज़ करूँगी ना मैं आपको बताऊँगी वैसे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं ठीक है इसका भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ एप्रिक... ओ एप्लीकेटर तो काफ़ी यूनिक है इसका देख रहे हो आप ये देखो लेट्स सी हम इसको ये एप्लीकेटर ठीक है लेट्स सी अब हम इसको यूज़ करेंगे फिर हम इसको आपको बताएंगे कि कैसा है और एक ये ये मेरी रीस्टॉक ही है ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है कंसीलर बहुत ही आउटस्टैंडिंग और कवरेज तो इसकी उससे भी ज़्यादा अच्छी तो ये मेरा काफ़ी देर से ना वो था आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था ख़त्म हो चुका था तो मैंने फिर इसको जो है बाई किया इनकी सेल काफ़ी अच्छी चल रही थी और मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला था बहुत ही अच्छा ये ना कंसीलर बहुत ही अच्छा फुल कलर ये टार्ट टार्ट का जो शेप टाइप कंसीलर है ना ये उसका ड्यूप है ठीक है तो ये भी एक मस्ट है आपके लिए तो यप ये था मेरा तो अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है बहुत ही हाइप्ड आप मरियम परवेज कस्मेटिक्स का कॉन्टोर ठीक है अ, क्रीम कौनटोर ये देखिए पैकेजिंग काफी स्लीक है और मेरा शेड है बीच में एम्बर काफी स्लीक पैकिंग है देख रहे हो आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट भी मैं दिखा दूँ आपको ये शेड है इसका स्वाश भी हम करते हैं और काफ़ी पिगमेंटेड है ये आप मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि काफ़ी क्रीमी है और काफ़ी ब्लेंडेबल भी अच्छे से ब्लेंडेबल भी लग रही है मैं आपको हल्का हल्क हल्का फिंगर से ब्लेंड करके चेक कर लेते हैं हाँ ये देखें मैं इसको प्रॉपर यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसी है ठीक है मणिपुर वेस्ट कॉस्मेटिक्स की कॉन्टो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास एंटाइज कॉस्मेटिक्स का बबल गम प्राइमिंग पोशन अब ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैं काफ़ी देर से बाय करना चाह रही थी बट मैं नहीं कर पाई थी एंड फाइनली फाइनली आई गॉट माई हैंड ऑन दिस अच्छा अब ये आगे विंटर्स के लिए तो बहुत ही औसम रहने वाली प्रोडक्ट और गर्मियों में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसी रहेगी ठीक है यह है टाइसकॉस्मेटिक्स का बबल गम प्राइमिंग पोशन ये जो ग्लास स्किन इफेक्ट्स आजकल चले हैं ग्लोई स्किन उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ठीक है अब मैं आपको जो है ना देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है जब हम इसको यूज़ करेंगे तो देन हम इसका फाइनल वर्डिट आपके साथ लाजमैन शेयर करेंगे इसका स्वॉच मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो देख रहे हो आप देख रहे हैं तो अब अम, वैसे तो मुझे थोड़ा सा ऑयली फ़ील हो रहा है बट यह कि फेस पे अप्लाई करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप थी और सब ऑलमोस्ट सब ब्लॉगर से इसको रिकमेंड करें तो मैंने इसलिए इसको ट्राई किया मैं फेस पे इसको ट्राई करूँगी देन आई टेल यू द फाइनल वर्ड ठीक है फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा ऑयली ऑयली फ़ील हो रहा है आ, कहीं ऐसा ना हो गया मेरे पैसे बर्बाद हो जाए नो यू कॉन्ट डू दिस टू मी ओके तो अब हमारे पास आते हैं ये हुदा मोजी का प्रिटी ग्रंज पैलेट ठीक है इसको हम ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि हाउ इज दिस पैलेट ये बेसिकली ये हदा बिटिका ड्यूप ही है ठीक है हम सबको ही पता है ठीक है ये हुदा बिटी के डूब पैलेट बनाते हैं और बट इनकी क्वालिटी और पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी थी मेरे पास इनका एक और भी पैलेट मौजूद है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी बट वाकई में लुक एट ओ ओ ओ ओ गॉड 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 बहुत प्यारा पैलेट बहुत ही प्यारा ब्यूटिफुल oh ब्यूटिफुल oh oh oh, wow, beautiful, beautiful. इसके प्रॉपर स्वॉचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसको मैं अभी टच नहीं कर रही ठीक है इसके प्रॉपर स्वॉचेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप बस अभी इसी की इतनी ही खूबसूरती से जो है ना वो आप काम चलाई क्योंकि मैं तो बहुत स्टंड हो चुकी हूँ इसकी फिटनेस से ये आ, अब खुदा मोजी खुदा मोजी के पैलेट्स का ये है कि ये अफोर्डेबल भी होते हैं बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है मेरे पास इनका एक और भी पैरेट पहला भी मौजूद है मैं तो वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी बल्कि मैं दोनों के ही सोचे आपके साथ ना शेयर करूँगी दोनों पर प्रॉपर कोशिश करूँगी मैं से, सेपरेट वीडियो बनाऊँ और दोनों के इकट्ठे ही सोचे आपके साथ ना शेयर करूँ ठीक है तो या यह है हुदा मोजी का इंटरनेट पे वो ओके okay, तो ये वायरल uh, ना, कुछ मोजी के नाम से भी आते हैं पैलेट्स बट सेम ही होते हैं ठीक है सेम प्रोडक्ट्स वगैरह अंदर सब कुछ सेम है क्वालिटी एंड लुक एट द ब्यूटी लुक 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 एट द ब्यूटी हाउ ब्यूटीफुल अच्छा अब मैं आपको एक और बात इसकी बताऊ Uh, इसके भी वॉचेज जो है ना वो मैं आपके साथ ना सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी ठीक है बट एक मैं आपको इसकी बाबा बताऊँ मैंने ना इसका एक लिप ग्लोव यूज़ किया था ट्राई किया था उस पर इतना हाइड्रेटिंग था इतना कंफर्टेबल था uh, मुझे uh, अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन दूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ठीक है बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा मिनी लिपस्टिक्स हैं ट्वेंटी टू हंड्रेड की मैंने बाय किया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है बहुत ही और पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है और गिफ्ट देने में भी बहुत पेटी है ठीक है तो याप। तो जनाब तो जनाब ये है मेरा हॉल शॉपिंग हॉल न्यू मेकअप हॉल आप कह सकते हो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है इन शाला तला अम, जो है जब भी मैं चीजें यूज करूंगी ना तो इनका फाइनल बर्थडेट भी आपको बताऊंगी भी मैं कुछ चीजें जो कि मैंने यूज की जो कि मैंने रीस्टॉक किया उनका भी मैंने आपको बता दी एसेंस का मस्कर्यूशन का ये वाला कंसीलर ठीक है और ये जेल क्लिनजर बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट्स हैं ये आपने लाजमी बाय करनी है और इनको लाजमी ट्राई करना है ये वाले तो लाजमन लाजमन ट्राई करनी है आप फ़ैन हो जाएंगे ऑयली स्किन है ड्राई स्किन है नॉर्मल स्किन है जो भी स्किन है आपकी इसको आपने ट्राई करना है और आप बस इसके फैन होने वाले हो इनशाला आपको ये बहुत प्रोडक्ट पसंद आएंगे और जो और भी है ना जब मैं यूज करूंगी तो मैं लास्ट में आपके साथ इसका जो है ना फाइनल प्रोडक्ट्स का जरूर शेयर करूंगी ठीक है तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश मैं करूँगी कि इन शाला आप कौन जो है वीडियोज़ मत रुके और जल्द से जल्द आपके आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोज़ पहुंचाऊं ठीक है तो थैंक यू सो मच मेरा साथ देने का बल्कि आप सबके कमेंट्स की वजह से ही जो कमेंट्स आए हुए थे और जो सब्सक्राइबर्स की भी जो था नंबर था उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई कि मैं कम बैक करूँ और मैं अपने जो है ना अपने पैशन को जो है ना आगे लेके चलूँ बेसिकली दिस इज माई पैशन एंड कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से अब वीडियोस में uh, कोशिश करूँगी कम से कम गैप आए ठीक है तो आपने मेरा साथ देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियोस को लाइक करना है मिलते uh, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़